बाद हमने के गोदी में एगो लाल भैया तो केहू और सोहर गावे नहीं आई का हमने के इतना या भागिन बनी जा। धीर धरो, तू तनिको चिंता मत करो, भगवान चाहिए तो हमने के घरे केहून केहू सोहर जरूर गाई। सब मालिक हम जैसे लाल धले हम वैसे सोहरो गवाई। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अरे बाबा आई प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा, घर में किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है बेटा, क्या परेशानी है बेटा? हाँ बाबा, बहुत दिन के बाद हमने के गोद में भगवान एगो बच्चा धला और दुआरे पे भीड़ लगल रही है, वही बिचवा एगो बूढ़ी माई बेहोश हो गई है और सब अशुभ मान के चल गए है बाबा, कि वो सोहर ना गौल सा। कोई बात नहीं बेटा, मैं सोहर सुनाता हूँ, सुनो बेटा। जन्म अरे बेटा बोली बाबा, शुभ अशुभ तो परमात्मा के हाथ में है बेटा, मैं भी सोहर गा रहा हूँ और देखता हूँ मेरे साथ क्या अशुभ होता है बेटा, सुनो बेटा। सुनाए बाबा। तीरा तो सौ सौ बेटा। बोली बाबा, गरीब इंसान हर जगह सताया जा रहा है बेटा। सही कहनी है बाबा। और गरीब परिवार पे ऐसे लालचन लगाना ये गलत बात है बेटा, शुभ अशुभ इंसान कैसे तय कर सकता है बेटा। ओ बच्चा बोली बाबा, आगे सुनो मेरी बात। शुभ आया शुभ बेटा। बोली बाबा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है बेटा, सब कुछ अपने कर्मों पर आधारित है बेटा।
जो जैसा करता है वैसा फिरता है बेटा, मेरी बात समझ में आई बच्चा? हाँ बाबा। जन्म आप सबके शंका का समाधान करनी है, यह गरीब पे लांछन लगले से बचा लेनी है। आपके कोटि कोटि प्रणाम बाबा। जय बाबा गुरु गोरखनाथ।